जिला कांगड़ा के भटियाड़ जिला परिषद वार्ड से पार्षद जोगिंदर सिंह पिंकू ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शाहपुर से संबंधित मंत्री द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि धारकंडी क्षेत्र में झंडा गैंग है और गुंडा गैंग है। मंत्री की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बरनेट के लोग गलत हैं। मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि मुंडन करवा कर कुछ नहीं होता, आत्मदाह करके भी कुछ नहीं होता, सरकार से प्यार से बात करनी चाहिए। मुंडन करवाने वाले सभी लोग भाजपा के हैं जो कि मंत्री के साथ चलते हैं। 20 साल से धरकंडी क्षेत्र में लोग प्यार से बात कर रहे थे, 17 साल से वे लोग मंत्री के पीछे चल रहे हैं, 4 साल से फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, इसमें मंत्री ने कहाँ काम किया वो खुलकर बताएं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने जो शब्द कहे हैं उसे उन्हें वापस लेना चाहिए और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एलजीएम शाहपुर को अपने पद की गरिमा का ख्याल भी रखना चाहिए। डीसी कांगड़ा को ज्ञापन दिया है जिसमें धारकंडी में नुकसान हुआ है उसके लिए 1 माह के भीतर राशि जारी करने की बात की गई है। धारकंडी क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से क्लेम नहीं मिला है, जो दिया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि 10-10 हजार रुपए की राहत राशि मात्र दी गई है। बरनेट घेरा रोड जिसकी हाल ही में फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिली है उसके कार्य को भी 10 दिन के भीतर शुरू करने का आग्रह जिला परिषद के सदस्य जोगिंदर सिंह ने किया। आज माननीय उपायुक्त जी को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसके अंतर्गत 1 माह का समय दिया गया कि अतिशीघ्र जो वो धारकंडी क्षेत्र में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी उसके लिए जो राहत राशि जारी करें, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्लेम नहीं दिया गया है पूरी तरह से। ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम हुआ है, 10-10 हजार रुपया मात्र दिया गया है। साथ में जो बरनेट टू घेरा रोड की जिसकी हमें फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिली है उसके कार्य को भी 10 दिन के अंतर्गत चलाने के लिए हमने प्रयास माननीय डी साहब को कहा कि अतिशीघ्र करें। साथ में माननीय उपायुक्त और जितने भी आला अधिकारी हैं उनको हमने सम्मानित किया है कि हमारी समस्या का समाधान उनके द्वारा किया गया। माननीय मंत्री जी के ऊपर भी हमने आरोप लगाए क्योंकि उनके द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पे झंडा गैंग है, गुंडा गैंग है, बरनेट वाले लोग गलत हैं, और ये भी आरोप लगाए जा रहे कि मुंडन करवा के कुछ नहीं होता, आत्मदाह करके कुछ नहीं होता, प्यार से बात करते। 20 साल से तो प्यार से लोग वहाँ से बात कर रहे हैं, 17 साल से लगभग मैडम जी के पीछे चले हुए, 4 साल से फाइल पेंडिंग पड़ी थी, तो मैडम जी ने कहाँ पर काम किया मैडम जी खुलकर बताएं। ऐसे अनाप शनाप मैडम ना बोले, मैडम जी से आग्रह हैं। मुझे भी रजोल जी के सामने, रजोल वाले लोगों के सामने थर्ड किया गया कि पंकु जो बदमाश है, गुंडा है, मैंने कौन सी बदमाशी की है। माननीय मंत्री महोदय जी अपने शब्दों को वापस लें, और हमने माननीय उपायुक्त जी को भी कहा है कि एसडीएम साहब जो शाहपुर वाले हैं उन्हें भी अपने पद की गरिमा का ज्ञान होना चाहिए कि अपनी कुर्सी छोड़कर जो वो वहां पर किसी प्रकार के मंत्री इत्यादि को नहीं बिठाना चाहिए। यदि ऐसा लिखा गया है, प्रमाणित है कि एसडीएम की कुर्सी पर कोई बैठ सकता है, तो कल को हो सकता है कि हम भी लोगों की समस्या जो एसडीएम की कुर्सी में बैठकर सुने। बरनेट टू घेरा रोड के लिए हमने 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन के अंतर्गत कच्चा रोड वहां पर निकाला जाए, और साथ में जो नड्डी डल लेक जो है, जो काफी दिन से काम जो बंद पड़ा है, उसको भी जल्दी करवाने के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है 1 माह के अंतर्गत वो कार्य शुरू किए जाएं। नहीं तो वहां के लोग भी काफी नाराज है, कल को ये ना बोले कि पार्टी विरोधी है। सब लोग बीजेपी के, जितने भी धारकंडी क्षेत्र के जो भी लोग बैठे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। लेकिन मंत्री महोदय जी जिस प्रकार गुंडा गैंग, काला झंडा गैंग, बरनेट वाले लोग गलत है, नाम लेकर कहे ना, बरनेट के लोग इतने सारी जनता है वहां पर, 1800 से ऊपर की आबादी है, क्या बरनेट वाले लोग सभी गलत हो गए। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, कृपया करके अपने शब्दों को वापस ले, और इस प्रकार की टिप्पणी आप आगे ना करें, और एसडीएम साहब भी यदि उनसे गलती हुई तो वो अपने माफी मांगें।